खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब एक सवाल जो धोनी के फैंस पूछ रहे हैं कि धोनी का आखिर होगा क्या। दरअसल वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स की हार के बाद से धोनी के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब जो खबर आई है उसके मुताबिक मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद धोनी से इस बारे में बात करने वाले हैं और ये बातचीत जो होगी धोनी से उनकी वेस्ट इंडीज दौरे से पहले होगी। आप जानते हैं कि टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज में सीरीज खेलने के लिए जाना है। खबर यह है कि वेस्ट इंडीज दौरे में भी धोनी का चयन नहीं होगा, वो नहीं भेजे जाएंगे। एक हार, टीम में दरार और अब धोनी पर बड़ा प्रहार। क्या महेंद्र सिंह धोनी के करियर का काउंटडाउन शुरू हो गया है? बीसीसीआई सूत्रों को माने तो मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर उनसे बहुत जल्दी बातचीत कर सकते हैं और उसकी वजह दी जा रही है धीमी पड़ी बल्लेबाजी रफ्तार, विश्व कप में हार के जिम्मेदार, बढ़ती उम्र और चोटों का प्रहार। विश्व कप के 9 मैच में धोनी ने 87 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 273 रन बनाए, उनके बल्ले से सिर्फ 2 अर्धशतक आए। सेमीफाइनल में 59 के स्ट्राइक रेट से 72 गेंद पर 50 रन बनाए। जीत के करीब जाकर धोनी 39वें ओवर में आउट हो गए। पिछले 1.5 साल में धोनी का स्ट्राइक रेट 65 से 75 के बीच खिचखोले खाता रहा।